जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली डिस्कशन इसलिए होगी क्योंकि इस कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रहा है, तो जो इसके न्यूली इन्वेस्टर्स हैं उनकी चिंता लाजिम है। खासकर जो हाल फिलहाल दिनों में इसमें पैसा लगाए हैं तो उनको इस वीडियो में उनकी चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगे, और साथ में पहले से जिनका इन्वेस्टमेंट है उनकी भी जो चिंता है वो लाजिम है और उसको भी दूर करने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं, समझते हैं इस स्टॉक में जो ग्राउट देखने को मिले लगातार, ये स्टॉक देखें तो लोअर सर्किट में आपको चलते हुए दिख रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है इसको समझते हैं। इस ग्राउंड को समझने के लिए हम लोग कंपनी के चार्ट पर चलेंगे, टेक्निकल एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले शुरू से हम लोग समझते चलते हैं कंपनी के काम और फंडामेंटल को, ताकि जो नए लोग हैं या जो पुराने भी हैं उनको ये आइडिया लग सके कि आपका इन्वेस्टमेंट किसी गलत कंपनी में नहीं हुआ, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी के काम और फंडामेंटल को देखते हुए किया है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए पहले काम को डिस्कस कर ले। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो FCS सॉफ्टवेयर कंपनी है ये बेसिकली IT से सॉल्यूशन, IT से रिलेटेड सेक्टर में IT रिलेटेड, ये बेसिकली IT से संबंधित सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, IT रिलेटेड कंपनी है, और IT के सेक्टर में जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है, चाहे वो IT से रिलेटेड मैनेजमेंट की सुविधा हो या IT इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना हो, ये सभी काम भी कंपनी करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है नोएडा में ही आपको दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश के शहर में है ये इसका हेडक्वार्टर। काम काफ़ी बढ़िया है, देखिए मेन IT स्ट्रीम की ये कंपनी नहीं है, बस ये समझिए कि साइड से IT स्टॉक्स को, IT जो कंपनियाँ हैं उनको ये सपोर्ट करती हैं कई प्रकार के काम में हेल्प करके। और यदि हम लोग इसके फंडामेंटल को समझें, तकरीबन 900 करोड़ के आसपास कह सकते हैं कंपनी का वैल्यूएशन, प्राइस का मार्केट कैप कम हो गया शेयर प्राइस के गिरने से, वरना 900 करोड़ के आसपास था। अब देखिए शेयर प्राइस के घटने बढ़ने से मार्केट कैप कम और ज़्यादा होते रहते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। स्टॉक का पी काफ़ी बढ़ गया था, तकरीबन 544 के आसपास अभी भी है, तो ये आपको समझना होगा कि स्टॉक का पी कम होने के लिए भी शेयर प्राइस का कम होना जरूरी है, और अभी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से ज़्यादा है, ये बढ़िया बात है। शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी और इसका जो ROCE देखेंगे यह काफ़ी बढ़िया है, मतलब प्लस में है, बढ़िया तो नहीं है, हालांकि 1% के करीब होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन 1% से कम है। फिर भी जैसे मैंने बताया कि कंपनी का फंडामेंटल जब मजबूत होता है और शेयर प्राइस लगातार बढ़ता है, तो उसके हिसाब से कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी यह भी घटते बढ़ते रहता है। आने वाले समय में ये रिटर्न ऑन इक्विटी और भी तगड़ा और भी ज़्यादा आपको इसमें होते हुए दिखेगा। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा, अब यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझेंगे कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। देखिए एक साल का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो इसके लिए एक लेवल था जिसमें स्टॉक का प्राइस कॉन्सोलिडेट कर रहा था, इस रेंज से बाहर निकलने के बाद इसमें एक लंबा ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला और प्राइस सीधे यहाँ तक आया, तकरीबन देख सकते हैं 2.5 रुपये से प्राइस इसका 6.5-7 रुपये तक आया है, बढ़ते लगातार नहीं आया लेकिन प्राइस यहाँ तक आया है। और जाहिर सी बात है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती है, इसी प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से FCS सॉफ्टवेयर का प्राइस धीरे धीरे करके थोड़ा सा नीचे आ रहा है करेक्ट होने के लिए। इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट करने के लिए प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा है। कितना नीचे आ सकता है? यहाँ तक आ सकता है, ये जो इसका लेवल है 5 रुपये का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक आ सकता है। इसके भी नीचे आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल, इस रेंज में आ सकता है, 4 रुपये से 4.5 रुपये के बीच में जो इसने अपना समय बिताया है, यहाँ तक आ सकता है रिट्रेसमेंट करने के लिए, और फिर यहाँ तक प्राइस आने बाद यहां से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर उठेगा और फिर इजीली ये आपको 8 से 10 रुपए तक शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखेगा। तो आपको करना क्या है कि जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है या जिन लोगों ने हाल फिलहाल में भी इसमें पैसा किसी भी लेवल पर पैसा लगाए हैं, अब देखिए अब यदि बहुत ज्यादा काम का रुपये लगा दिए तब तो फिर आपको उसमें से निकलना ही जरूरी, लेकिन यदि आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बेशक आपको इसमें समय देना चाहिए, क्योंकि प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा, यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, यदि इस 5 रुपए के लेवल को क्रॉस करता है तब, और यहाँ तक आएगा और जिसमें बताया यहाँ समय बिता के फिर प्राइस रिट्रेसमेंट लगे ऊपर उठेगा, तो इजीली 8 से 10 रुपये तक जाते हुए दिखेगा, यानी कि आपको बहुत कम समय में इसमें 8 से 10 रुपये तक का टारगेट अचीव होते हुए दिखेगा। तो यदि आप इसमें बने रहेंगे तब ये टारगेट दिखेगा, ये ना वरना बहुत काम के रुपये लगा दिए इसमें, तो सलाह यही रहेगी कि आप अपना हाफ क्वांटिटी सेल कर दीजिए और हाफ क्वांटिटी इसमें होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। बाकी यदि आप कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत स्थिति में देखेगा इस स्टॉक का। कर्जे की यदि बात करें, जो डेप्ट होता है, तो डेप्ट आपको यहाँ पे कम होते हुए दिखा है सितंबर ये के जो मंथ में जो अपडेट हुआ है इसमें। पहले जहाँ 21 करोड़ 18 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्ट था, सिर्फ अब 3-3.5 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्ट रह गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो रिजर्व पैसा है यह भी आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में आपको ग्रो होते हुए दिखा है, यानी कि जो फ्री कैश फ्लो होता है कंपनी के पास वो बढ़ रहा है और जो डेप्ट है वो कम हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, कर्जा हमेशा कम होना चाहिए और जो कंपनी के एसेट्स हैं उसे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, इसका मतलब कंपनी का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल आपको मजबूत होते हुए दिख रहा है, और प्लस कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसका तो भविष्य है ही। इसलिए जब लंबी अवधि के उद्देश्य से आप सोचते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे तो इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी 20% के आसपास है, जो कि ओवरऑल ठीक है, और थोड़ी बहुत गवर्नमेंट और FII की भी हिस्सेदारी, बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी तो लगभग
हर स्टॉक्स में होती है, जो कि कॉमन सी बात है। तो ओवरऑल बात यह है कि FCS सॉफ्टवेयर में आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें समय देना चाहिए, नहीं है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, प्राइस जब रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा तो वहाँ पर आप थोड़ी बहुत एंट्री ले सकते हैं यदि आप रिस्की प्लेयर हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।